रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज आज का हमारा टॉपिक है फॉर लूप फॉर फॉर लूप लूप क्या होती है? इज़ यूज़ टू तो एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स फॉर लूप कब इस्तेमाल की जाती है जब आपने स्टेटमेंट्स को एक मखसूस तादाद में एग्जीक्यूट कराना हो रिपीट कराना हो इट मीन्स इसका मतलब है नंबर ऑफ इज़ नॉन इन स बिफोर एक्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ लूप इसका मतलब ये है कि फार लूप को कब चलाने जब आपको आइट्रेशन की तादाद का पहले से इल्म हो पहले से मालूम हो यानी स्टेटमेंट्स को पांच मरतबा चलाना है पहले से पता है कि फाइव टाइम्स आपने इसको रिपीट करवाना है या आठ मरतबा या टेन टाइम्स आपने रिपीट कराना है तो आइट्रेशन की जो तादाद है वो लूप को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको इल्म हो ऐसी हाल में ऐसी सिचुएशन में फार लूप को इस्तेमाल किया जाता है डेट इज वाई यही वजह है इट इज ऑल्सो काल्ड काउंट कंट्रोल लूब काउंट कंट्रोल लूप भी कहलाती है तो फार लूप इज आल्सो कॉल्ड काउंट कंट्रोल लूप फार लूप एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू फार लूप स्टेटमेंट्स को उस वक्त तक चलाती रहती है उस वक्त तक एग्जीक्यूट करती रहती है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है लूप टर्मिनेट्स लूप उस वक्त खत्म हो जाती है यानी उसकी जो आइट्रेशन है वो स्टॉप हो जाते हैं कब हो जाते हैं वेन कंडीशन बिकम्स फॉल्स जब कंडीशन गलत हो जाती है कंडीशन इज चेक्ड बिफोर द बॉडी ऑफ लूप कंडीशन कब चेक की जाती है बॉडी ऑफ लूप की एग्जीक्यूशन से पहले की चेक की जाती है इफ द कंडीशन इज ट्रू अगर कंडीशन ट्रू हो द कंट्रोल एंटर्स द बॉडी ऑफ लूप तो कंट्रोल एंटर हो जाता है लूप की बॉडी के अंदर एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है इफ द कंडीशन इज फॉल्स अगर कंडीशन फॉल्स हो द बॉडी ऑफ लूप इज स्किप्ड तो लूप की जो बॉडी है वो स्किप कर दी जाती है छोड़ दी जाती है डेर स्टूडेंट्स इस स्लाइड पर ये प्रोग्राम बनाया गया जिसमें एक फार लूप को इस्तेमाल करके और इसकी वर्किंग को समझाया गया आप इसको गौर से देखेंगे अब ये लिखा हुआ फार ए इज इक्वल टू वन ये जो लिखा हुआ ए इज इक्वल टू वन इस इस हिस्से को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन फिर है कॉलन ये ए इज लेस देन आर इक्वल टू फोर इस हिस्से को बोलते हैं हम कंडीशन और ए प्लस प्लस क्या कहलाता है इंक्रीमेंट कहलाता है ए इज इक्वल टू वन ये क्या है इनिशियलाइजेशन है ए इज लेस देन और इक्वल टू फोर ये कंडीशन है ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट है अब इसकी वर्किंग कैसे होती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है इंट ए ए एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का और इंट जो है इसकी डेटा टाइप है फॉर लूप ये फॉर लूप लिखी गई है ए इज इक्वल टू वन यहां पर हम वर्किंग में लिख लेते हैं वर्किंग में क्या लिखा जाता है वेरिएबल की वैल्यू और आउटपुट में क्या लिखा जाता है जो भी प्रिंट एफ का फंक्शन प्रिंट कराएगा वो चीज आउटपुट में लिखी जाती है तो ए इज इक्वल टू वन ये हमने लिख लिया वर्किंग में वेरिएबल की वैल्यू उसके बाद कंप्यूटर कहा जाएगा इस तरतीब को गौर से जहन में रखना ए इज इक्वल टू वन को रीड करने के बाद यहां इस कंडीशन पर जाएगा ए इज लेस देन आर इक्वल टू फोर ए की वैल्यू वन है इज लेस देन इक्वल टू कंडीशन ट्रू जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये इधर नहीं जाएगा ए प्लस प्लस बल्कि किधर जाएगा प्रिंट एफ पर जाएगा यानी कंडीशन अगर ट्रू हो तो इस प्रिंट को रीड करेगा तो क्या print करेगा? पार्क प्रिंट करेगा करेगा अब इस पाक को प्रिंट करने के बाद वापस इधर जाएगा ए प्लस प्लस पे याद रखें इस स्टेटमेंट को, को, को एग्जीक्यूट करने के बाद कहा जाएगा वापिस इधर जाएगा ए प्लस प्लस पे ए प्लस प्लस से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी टू हो जाएगी एक की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा उसके बाद दोबारा कंडीशन पर आएगा ए की वैल्यू टू है टू इज लेस देन फोर कंडीशन ट्रू फिर क्या प्रिंट करेगा फिर पाक प्रिंट करेगा फिर वापस जाएगा ए प्लस प्लस सेन इक्वल टू फोर कंडीशन ट्रू फिर क्या आएगा प्रिंट एफ पर आएगा और पाक प्रिंट करा देगा फिर वापस जाएगा ए प्लस प्लस से एक वैल्यू फोर हो जाएगी फोर इज लेस देन आर इक्वल टू फोर ये कंडीशन ट्रू फिर पाक प्रिंट करवाएगा फिर वापिस जाएगा ए प्लस प्लस पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव हो जाएगी फाइव इज लेस देन आर इक्वल टू फोर कंडीशन फॉल्स जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी अब एफ को छोड़ देगा छोड़कर कहां चला जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा तो ये लूप ऐसे एग्जीक्यूट होती रहती है इसकी तरतीब को इसके फ्लो को आपने चेक करना है तो जब तक कंडीशन ट्रू रहती है कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को बढ़ता रहता है जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंप्यूटर इस प्रिंट वाली स्टेटमेंट को छोड़ देता है बेसिकली ये जो प्रिंट की स्टेटमेंट है ये इसकी लूप की बॉडी है अब यहां पर यहां पर आप और से देखें ए इज इक्वल टू वन ये फार लूप को मुख्य अंदाज में इस्तेमाल करके दिखाया गया ए इज इक्वल टू वन लेस देन आर इक्वल टू टेन ए इज इक्वल टू ए प्लस प्लस यहां पर यह गौर करने की बात है यहां पर आमतौर पर हम ए प्लस प्लस लिखते हैं लेकिन हमने क्या लिखा है यहां पर a इज इक्वल टू ए प्लस टू लिखा हुआ है तो इसके लिखने से क्या होगा a की वैल्यू में टू एड होते जाएंगे यानी a की वैल्यू में टू टू का इजाफा होता जाएगा दो दो जमा होते जाएंगे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इसी तरह इस लूप को फोर से वन तक चलाया गया इज इक्वल टू फोर ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन यहां लेस देन नहीं है देखिए यहां पर लेस देन है यहां पर ग्रेटर देन है और से देखना है दोनों लूप को कंपेरिजन करना है तो आपको फार लूप को मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ स्टाइल में लिखने का तरीका आ जाएगा ये लूप कहां से चलेगी फोर से कहां तक वन तक और यहां पर लिखा हुआ ए माइनस माइनस तो इस अंदाज़ में भी आप लूप को लिख सकते हैं इस अंदाज में भी आप लूप को लिख सकते हैं अब इस प्रोग्राम की वर्किंग को समझ लेते हैं। टू वन वर्किंग में लिख लेंगे A is equal to one. अब इसके बाद कंडीशन चेक होगी। पर है इसकी नीचे आएगा प्रिंट परसेंटेज डी ये क्या करेगा ए की वैल्यू प्रिंट एफ क्या करेगा ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 1 उसके बाद ये आगे नहीं जाएगा याद रखें इसी पहली लाइन से ही वापस मुड़ जाएगा यहां पर आएगा और ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस 2 से ए की वैल्यू में 2 का इज़ाफा होगा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर 3 हो जाएगी फिर कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है फिर ये इस वाले प्रिंट एफ पे आएगा और ए की वैल्यू को प्रिंट करा देगा ये थ्री प्रिंट करा दिया अब यहीं से ये वापस मुड़ेगा ये अगली लाइन पर नहीं जा रहा है और से देखना है आपने यहीं से वापस मुड़ रहा है ए की वैल्यू में दो का इजाफा होगा इसकी वजह से की वैल्यू फाइव हो जाएगी फाइव इज लेस देन आर इक्वल टू टेन कंडीशन ट्रू है इस प्रिंट एफ पे आएगा और ए की वैल्यू को प्रिंट करा देगा कितनी फाइव प्रिंट हो जाएगी यहां से वापिस जाएगा ए की वैल्यू में टू का इजाफा होगा फिर कंडीशन चेक होगी ए की वैल्यू कितनी है सेवन सेवन इज लेस देन आर इक्वल टू टर्न कंडीशन ट्रू है ट्रू होगी तो इस प्रिंट को पढ़ेगा ये क्या करेगा ए की वैल्यू प्रिंट करा देगा सेवन वापस जाएगा यहीं से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी नाइन नाइन इज लेस देन टेन कंडीशन ट्रू इस प्रिंट एफ पे आएगा ये प्रिंट क्या करेगा ए की वैल्यू नाइन प्रिंट करा देगा वापस जाएगा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी इलेवन इलेवन इज लेस देन देर इक्वल टू टेन कंडीशन फॉल्स जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस प्रिंट को छोड़ देगा स्किप कर देगा इग्नोर कर देगा छोड़कर कहा जाएगा इस वाले अगले वाले प्रिंट पर आएगा और ये क्या लिखेगा यहां पर ये हेलो लिखेगा याद रखेगा यहां पर है आउटपुट में यहां पर क्या आना है नीचे हेलो यह तो तो छोड़ेगा दोनों लाइनों को नहीं छोड़ेगा पहली लाइन को छोड़ेगा और यहां पर क्या लिख देगा नीचे यहां पर आउटपुट आउटपुट में, तो में आएगा वन थ्री फाइव सेवन नाइन और नीचे क्या आएगा हेलो आएगा अब इसी तरह क्या है 4 है ये जो लूप के अंदर वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है ए इस वेरिएबल को काउंटर वेरिएबल भी कहते हैं ए ए इज ग्रेटर देन या इक्वल टू वन कंडीशन ट्रू ये ए की वैल्यू प्रिंट कराएगा 4 फिर यहीं से वापस जाएगा ए माइनस माइनस पर इस पर और इससे ए की वैल्यू में एक कमी हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी उसके बाद ये कंडीशन पर आएगा इस वाली कंडीशन पर थ्री हो जाएगी थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन कंडीशन ट्रू ये क्या करेगा ए की वैल्यू प्रिंट कराएगा थ्री फिर वापिस जाएगा ए माइनस माइनस पर ए की वैल्यू टू हो जाएगी यानी एक कम हो जाएगी टू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन कंडीशन ट्रू तो फिर ए की वैल्यू प्रिंट कराएगा प्रिंट एफ से वापस प्रिंट से ए माइनस माइनस पर जाएगा ए की वैल्यू वन हो जाएगी वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन ट्रू फिर इस प्रिंट पे आएगा तो ये वन प्रिंट कराएगा वापस जाएगा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन कंडीशन फॉल्स जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इस लाइन को छोड़कर नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा तो ये लूप जो है हमने फोर से वन तक चलाई है और यहां पर वन से टेन तक लेकिन इसमें टू टू का इंक्रीमेंट किया है तो इसको फार लूप को मुखलिफ अंदाज में आप यूज कर सकते हैं अब इसकी वर्किंग फर्स्ट ऑफ ऑल ए लूप वेरिएबल कॉल्ड काउंटर वेरिएबल इज इनिशलाइज ये देखें ये यहां पर ये लिखा हुआ इनिशलाइजेशन ये लिखा हुआ ए इज इक्वल टू वन यहां पर इसे इनिशलाइजेशन कहते हैं ये यहां पर ये कंडीशन है ए इज लेस देन और इक्वल टू फोर इसे कंडीशन कहते हैं ये कंडीशन और ए प्लस प्लस ये क्या है इंक्रीमेंट है इस करली ब्रेस से इस करली ब्रेस तक इसमें क्या होंगे स्टेटमेंट्स होंगी, होंगी. यहां तक ये कहलाता है ये सारा बॉडी ऑफ लूप ठीक है यहां से लेकर यहां नीचे प्रोग्राम में भी देखेंगे बॉडी ऑफ लूप तो सबसे पहले कंप्यूटर यहां पर आता है लूप में ए इज इक्वल टू यानी इनिशियलाइजेशन इस ए वेरिएबल को हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं तो इसको वैल्यू दे दी है वन टू थ्री कोई भी वैल्यू दे सकते हैं यानी इसको इनिशियलाइज करना है आफ्टर कंडीशन आफ्टर दैट इसके बाद कंडीशन इज वैल्यूएटेड इसके बाद ये वाली कंडीशन चेक की जाती है ये यहां पर और से आप स्लाइड पर देखें पॉइंटर पॉइंटर कहां पर है तो so, पहले इनिशलाइज किया जाता है फिर कंडीशन चेक की जाती है इफ द कंडीशन इज ट्रू अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो कंप्यूटर करता है बॉडी ऑफ लूप के अंदर आ जाता है और इन सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है इन को एग्जीक्यूट करने के बाद यानी इन इन सारी statement को execute करने के बाद, यहाँ यहां यह पर करली ब्रेसिस आ गई हैं। अगर ये करली ब्रेसिस ना हो ये वाली और ये वाली तो ये पहली लाइन से ही वापिस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ जाता है अगर ये करली ब्रेसिस यानी मौजूद हो तो ये पहले सारी प्री एफ एफ को भी एफ को भी भी पढ़ेगा स्प्रिंट इस करली पे आएगा और यहां से ये वापस जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर पर तो इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर पर जाएगा और फिर दोबारा कंडीशन को चेक करेगा इस तरह का ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये लूप दोबारा से चलती रहेगी रिपीट होती रहेगी जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंप्यूटर इस बॉडी ऑफ लूप को स्किप कर देगा इसी तरह ये इसका सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज़ करते हैं फिर कंडीशन चेक करते हैं कंडीशन अगर ट्रू हो कंडीशन अगर ट्रू हो ये वाली कंडीशन तो कहां पर जाएगा बॉडी ऑफ लूप में जाएगा बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा फिर वापिस जाएगा फिर कंडीशन को चेक करेगा कंडीशन अगर ट्रू हो तो बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा फिर वापस जाएगा फिर कंडीशन को चेक करेगा अगर कंडीशन फॉल्स हो तो बॉडी ऑफ लूप को देखेंगे छोड़कर कहां पर आएगा अगली स्टेटमेंट पर या कहेंगे लूप के एंड पर आ जाएगा ये प्रोग्राम का एंड नहीं ये लूप का एंड समझें इसको ये जो एंड एंड है है। ये का है। अब ये का अब इस प्रोग्राम को आपने गौर से देखना ये तकरीबन सेम एक जैसा प्रोग्राम है थोड़ा सा फर्क है देखिए यहां फार के बाद करली ब्रेसिस नहीं है यहां फार के बाद करली ब्रेसिस हैं। अगर फार के बाद करली ब्रेसिस ना हो यहां पर तो ये कंडीशन चेक करें हेलो को प्रिंट करने के बाद वापस जाएगा यहां पर यानी एक की वैल्यू वन हेलो को प्रिंट करेगा वापस इधर जाएगा वर्ल्ड पे नहीं जाएगा वापस ए प्लस प्लस पे जाएगा ए की वैल्यू टू होगी टू इज लेस देन कंडीशन ट्रू है फिर हेलो को प्रिंट करेगा वापस जाएगा ए की वैल्यू थ्री होगी थ्री इज लेस देन फोर कंडीशन ट्रू हेलो पे जाएगा फिर वापिस जाएगा ए की वैल्यू फोर होगी फोर इज लेस देन फोर हेलो को प्रिंट करेगा वापिस जाएगा ए की वैल्यू फाइव होगी फाइव इज लेस देन फोर कंडीशन फाइव फॉल्स होगी तो आखिर में इस हेलो को छोड़कर वर्ल्ड पे आएगा यानी ये चार दफा हेलो प्रिंट करेगा इसकी आउटपुट जो आएगी और आखिर में एक दफा वर्ल्ड प्रिंट करेगा लेकिन यहां पर देखें ये करली ब्रेसिस है अब ये क्या करेगा ये चार दफा ही हेलो प्रिंट करेगा चार दफा ही वर्ल्ड ए की वैल्यू वन है इज लेस देन कंडीशन ट्रू बॉडी ऑफ लूप में आएगा हेलो प्रिंट करेगा और फिर वर्ल्ड प्रिंट करेगा फिर यहां पर आएगा यहां से वापस जाएगा ए प्लस प्लस ए की वैल्यू टू होगी टू इज लेस देन आर इक्वल टू फोर बॉडी ऑफ कंडीशन ट्रू है बॉडी ऑफ लूप में आएगा हेलो प्रिंट करेगा फिर वर्ल्ड प्रिंट करेगा फिर यहां पर आएगा और यहां से वापस जाएगा इंक्रीमेंट अब ए की वैल्यू थ्री होगी थ्री इज लेस देन फोर कंडीशन ट्रू फिर हेलो भी प्रिंट करेगा वर्ल्ड भी प्रिंट करेगा तो हेलो और वर्ल्ड एक ही लाइन में प्रिंट होंगे चार मरतबा यहाँ सिर्फ चार मरतबा हेलो प्रिंट होगा तो आपने ये देखना है कि अगर करली ब्रेसिस ना लगाएं तो इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है और अगर करली ब्रेसिस लगा दें तो इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है उम्मीद है आपको यह लेक्चर समझ आ गया होगा आपने इसकी कागज पर प्रैक्टिस करनी है इसको जबानी याद करना है लिखना है इसकी एग्जीक्यूशन को उसकी स्टेटमेंट्स की जो एग्ज़ीक्यूशन की जो तरतीब है उसको अंडरस्टैंड करना है और इसका कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त